फ्रॉम माय साइड वन लास्ट क्वेश्चन ये येलो साड़ी पहनी नहीं मैंने नॉक नॉक जो किया था ना तेरे लिए गाड़ी में रिक्शा में इसीलिए मैं बताऊं क्या था मैं बताती हूं नॉक नॉक हु इज देयर येलो 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 मैं आ गई वाला वन लास्ट क्वेश्चन आई थिंक वी आर डन नहीं कर सकते वीरे ये चलता रहेगा हां अरे वीरे अब आ रहा हूं भाई हाँ जी लेकिन प्लीज हाँ एक सेकंड लेट हिम आस्क हाँ वही पूछ रहा हूँ वही बोल रहा हूँ पूछने दीजिए वही तो बोल रहा हूँ पूछिए हाँ जी सोहेल ऐसे पूछ लो आप ऐसे पूछ लो आप You know, honestly, sir, like, of course, relatability and empathy to your characters helps you. But with the kind of work that I have been doing, you know, I just finished a film called Gaslight. I'm playing a freedom fighter in a film that I'm shooting. So I think, like, ye meri zindagi mein hua hai, wala relatability zaruri nahi hai ki har jagah hoga. I mean, I'm unmarried, you know. So I think that more than just relating in the way of feeling like you've lived that life, it's important to understand aapke kirdar ke jo emotions hain, aapke kirdar ke man mein kya chalta hai. And I think that when you have a director like Lakshman Uttekar guiding you, you don't really need much more than that. So yeah, of course, I mean, she's a relatable girl. Her personality is something that I can understand, something that I can relate to. She's a Punjabi girl, so that's cultural upbringing that again I can relate to, but as far as it, you know, her life. Are you that angry with your better halves generally, like this character? I can be. Depends on how up the wall they drive me, but I think the essence is that basically, I think Lakshman sir relates to this world really well, and I relate to him very well, so it helped. So divorce ho kyun raha hai? सेकेंड जून आई थिंक तो खराटे मारता है ना क्या डिवोर्स हो गया थैंक यू कल का प्लान हाँ ज्वाइन कर सकते हैं बताओ अभी तो पूरा सीरियसली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ चिल कर रहा हूँ आप बताओ कहाँ मिलना है हम वहां मिल लेंगे चिल करेंगे विक्की के लिए आप टूटी फ्रूटी इसीलिए हो रहा है डिवोर्स वाला ये ऐसी चीजें बोलता है हाँ जी सर सर ये फिर माइक दो इनको माइक दो क्या बोला आपने शाम को घर भी जाना है हाँ सर ये सुन लो शाम को घर भी जाना है ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो बच्चा हूँ अभी बड़ा तो हो लेने तो है कैसे जवाब दूँ इसका मैं अरे पर ये अरे इतना खतरनाक सवाल पूछा है इन्होंने सवाल पे ही लाफा पड़ जाएगा सर जन्मों जन्मों तक कैन वी इनवाइट सचिन सर प्लीज बी ऑन द स्टेज प्लीज कम 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 एंड कैन वी ऑल्सो प्ले द सॉन्ग So this song that Sachin is going to give you a little bit of aapko ek thoda sa glimpse denge is my favorite track right now and I hope it becomes yours also. Abhi Jigar is missing. Track? Jigar is on holiday, so he's not come. We are also missing Amitabh Bhattacharya who's written it. Should I give you have a mic? Okay, let's go. Good evening and good afternoon. Sorry. ऐसे ही लग रहा है जैसे पिक्चर देखने बैठे छह ऐसे ना हो है ना? Are we all enjoying? Yes, no? Do you all like the little bit you heard of the song? Yeah. I know Komal sir is a big fan of Arijit, and I have big shoes to fill. जब आपको अरिजीत आपके गाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वही गाना फिर स्टेज पे अगर गाना है तो आई एम होपिंग बट आप लोग साथ में गाएंगे तो बड़ा मजा आएगा लेट्स गो बदले तेरे माही आके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए Hi guys.
है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, क्यों है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, सिमरानिए जिंद जानिए, जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे सिवा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, क्या चाहिए तो गा सकते, तू है तो मुझे फिर और तू है तो मुझे फिर और तू ही रे तू ही रे तू ही रे निहिरी ये तू ही रे तू ही रे तू ही रे निहिरी ये तू मेरी मैं हूँ तेरा राजा तू ही रे तू ही रे तू ही रे तू ही रे मेरी हीरे तू ही रे तू ही रे निहिरी ये तू मेरी मैं हूँ तेरा राजा मतलब ये वो वाला है जब तक अरिजीत जैसा नहीं गाओगे तब तक वंस मोर करेंगे नो रियली मिसिंग जिगर मतलब जिसका पार्टनर का नाम ही जिगर हो वो तो मतलब मिस करेगा ही बट आई थिंक ही इज ऑन अ वेरी वेल डिजर्व्ड हॉलीडे फाइनली इस फिल्म की म्यूजिक करने में हमने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिनों सर बड़े भैया जैसे हैं एंड ही हैज यू नो ऑलवेज गिवन अस सम एनलाइटमेंट इस फिल्म में उन्होंने बोला कि आवर लास्ट एंडेवर टुगेदर वॉज सुपर हिट वी हैव गिवन गुड सॉन्ग्स आई थिंक द बेस्ट वे टू ओन सक्सेस इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम होपिंग कि ये गाना आप लोग सबको पसंद आए अगर आपको पसंद आए तो फिर और क्या चाहिए